मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार, एफईआईएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही एक महत्वपूर्ण मसले पर बात करने जा रहा हूं और इस महत्वपूर्ण मसले का संबंध है आपके प्री एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से। प्री एग्ज़ाम में आप जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके तहत आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ऐसे प्रश्नों के बारे में जिन्हें सच पूछिए तो पढ़कर तैयार करना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल होता है, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं उसके बारे में सीधे सीधे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी मुश्किल होता है। सीधे सीधे अंडरस्टैंडिंग की बात मैं इस रूप में कह रहा हूँ कि उसके साथ दूसरे तत्व भी शामिल करने के बाद कहीं हम एक रियल अंडरस्टैंडिंग पर पहुँच पाते हैं। तो मित्रों, इसमें मैं आपको कुछ प्रश्नों के उदाहरण के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अंडरस्टैंडिंग्स के आधार पर कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं और उनको हम समझते हैं, और केवल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम बहुत से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं लगातार अपने स्टूडेंट्स को ये बताता आ रहा हूँ कि जो सिविल सर्विस प्री के एग्ज़ाम होते हैं, इनफैक्ट वो रटने से सॉल्व नहीं किए जा सकते। उनके लिए बहुत अलग अलग किस्म के तरीके होते हैं और विषय की बेसिक समझ तो होनी बहुत ज़रूरी है। यूँ कह लीजिए कि बेसिक समझ और अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फ़र्क यहाँ यह है दोस्तों कि जो बेसिक समझ है वो एक सब्जेक्ट से ही जुड़ी हुई होती है। जैसे मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ, ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी है की बेसिक समझ। लेकिन जब मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूं तो पता लगा कि एक प्रश्न है और उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मुझे जिस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जिसे आप हिंदी में कहेंगे कि जिस समझदारी की ज़रूरत है, तो उसमें पता लगा कि ज्योग्राफी का नॉलेज भी काम आ रहा है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज भी काम आ रहा है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री का नॉलेज भी काम आ रहा है, कहीं ना कहीं साइंस का नॉलेज भी काम आ रहा है। यानी कि एक ऐसी समझदारी जो कई विषयों से मिलकर तैयार होती है, लेकिन ये जो विषय हैं इन विषयों का जो ज्ञान है वो बहुत ही सामान्य स्तर का है। ये नहीं कि मैं इन विषयों का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, इन विषयों की सामान्य जानकारी, इन विषयों का सामान्य ज्ञान, और जब अलग अलग विषयों के ज्ञान को मैं मिला देता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग किस्म की समझदारी डेवलप हो जाती है, और इस समझदारी के आधार पर फिर मैं सिविल सर्विस प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ। मित्रों, आपको पता नहीं मेरी इस बात पर यकीन होगा या नहीं होगा, 2017 में प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं जीएस फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ। मैंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा है और ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने लगभग 19 to 20 क्वेश्चंस ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें आप केवल समझदारी के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। और बल्कि इसके विरोध में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि समझदारी नहीं है तो शायद उन्हें सॉल्व करना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि 19 में से आप 7-8 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लें, 6-7 सॉल्व कर लें, लेकिन इससे अधिक नहीं। और बाकी पर जब आप हाथ आजमाएंगे, शेष बचे हुए पर ऑप्शंस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो उसमें गड़बड़ाने की आशंका तो रहती ही है। लेकिन अगर आपके पास समझदारी है तो मैं इस बात के प्रति आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि 19 क्वेश्चंस अगर इस तरह के पूछे गए हैं तो इसमें से आप बड़े आराम से 13-14 क्वेश्चंस समझदारी के आधार पर हल कर सकते हैं, और बिल्कुल सही, ये तो मैं सही क्वेश्चंस की संख्या बता रहा हूँ। हाँ, जो बाकी जो बच जाएंगे, आप कह लीजिए 5-6 जो क्वेश्चन बच जाएंगे, ये 5-6 क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि या तो समझ में ही नहीं आ रहे हैं, या आपके बिल्कुल छूट जाएंगे, या उसमें जो दूसरे सब्जेक्ट की जानकारी इन्वॉल्व है उसकी आपको जानकारी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका कोई अफसोस नहीं है। इसका अफसोस करना छोड़ दीजिए और ये जो हल कर पा रहे हैं इसका जश्न मनाइए, उत्सव मनाइए। तो मित्रों, मेरी यह बात अभी थोड़ी सी आपको अविश्वसनीय सी लग रही होगी, अटपटी सी भी लग रही होगी, तो आइए बेहतर है कि मैं आपसे एक प्रश्न के माध्यम से बात करूं
तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो सकेगी, मेरी बात पर विश्वास भी बढ़ सकेगा, और मैं चाहता हूं कि मेरी बात पर आप विश्वास करें क्योंकि तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मित्रों, मैं अब जो प्रश्न उदाहरण के रूप में लेने जा रहा हूं वह आपके 2017 के जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर है प्री का, उसका सेट ए का प्रश्न है और प्रश्न संख्या है 22। प्रश्न संख्या 22। अब ये 22 जो प्रश्न है ये बोल करके आपके सामने रख रहा हूँ, साथ ही ये प्रश्न स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिए की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत जटिल लगेगा, बहुत कठिन भी लगेगा, और शायद ऐसा लगे कि यार ये तो सिर के ऊपर से गुजर रहा है लगेगा, और खासकर अगर आप ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तब तो लगेगा ही, यहाँ तक कि कॉमर्स के स्टूडेंट को भी लगेगा, थोड़ा सा साइंस का स्टूडेंट इसके साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकता है, राइट। तो मैं अब प्रश्न पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ूंगा। शैवाल आधारित, शैवाल मतलब एल्गी, शैवाल आधारित जैव ईंधनों, जैव ईंधनों का मतलब है बायोफ्यूल, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा ऑब्लिक सीमाएं हैं, राइट। वो कहना ये चाह रहा है कि बायोफ्यूल का उत्पादन किया जा सकता है लेकिन इसके लिए खासकर जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके लिए कुछ सीमाएं हैं। अब आप देखिए कि सीमाएं क्या हैं। तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन लंबा है क्योंकि स्टेटमेंट भी लंबे लंबे हैं। पहला स्टेटमेंट है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता ऑब्लिक प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। आपने देखा ना कि थोड़ा सा वाक्य थोड़े से लंबे और थोड़े से उलझाव वाले हैं, बहुत स्पष्ट नहीं होते, ट्रांसलेटेड हिंदी होने के कारण ये थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है लेकिन आपको मुकाबला तो करना ही होगा। थर्ड स्टेटमेंट है फ्रेंड्स कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिससे पारिस्थितिकीय एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये तीन स्टेटमेंट हैं और इसके बाद नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन और डी एक दो और तीन। मित्रों, ये प्रश्न आपके सामने है और डेफिनेटली अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये प्रश्न तो मेरे बस के बाहर की बात है। सबसे पहले तो आपको यही कॉन्फिडेंस में अपने अंदर लाना होगा, आना होगा कि नहीं मैं इसे सॉल्व करूंगा, और बहुत धैर्य से पढ़िए, धीरज के साथ पढ़िए, आप देखेंगे कि आपके दिमाग में सलूशन का कोई आधार क्लिक कर जाएगा और इनफैक्ट उसी आधार को मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, प्रश्न कठिन है, जटिल भी है, बड़ा भी है, लेकिन इसका हल न तो जटिल है, न कठिन है और न ही बड़ा है। ये सिविल सर्विस के में पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक तरीके से कह लीजिए कि ब्यूटी है। अब आप देखिए कि अब हम इसमें क्या एक तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग लगाते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट इसमें जो स्टेटमेंट है मित्र, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहे हैं जैव ईंधनों का उत्पादन, जैव ईंधन ठीक है, बायोफ्यूल का उत्पादन करना है और दूसरा शैवाल आधारित। अब आपको देखना यह है कि ये जो शैवाल आधारित जो जैव ईंधन अगर कोई प्रोडक्ट करना चाह रहा है तो क्या यह केवल समुद्रों में ही संभव है, समुद्रों में ही या महाद्वीपों पर भी, यानी कि आप मोटे तौर पर कह लीजिए कि जमीन पर भी, तो आपको लगेगा ये मैं एक, अब ये मैंने कहा ना कि ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अब सामान्य तरीके पर अगर आप जरा सा भी शैवाल के बारे में जानते हैं और बायोफ्यूल के बारे में जानते हैं और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको बहुत सामान्य रूप में जानकारी होगी ही। जैव खाद की हम लोग बात करते हैं, अरे ऑर्गेनिक खाद की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक खाद भी आपको मालूम है कि कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, तो कहीं ना कहीं उसी तरह से जैव ईंधन भी बन जाएगा। तो ऑर्गेनिक खाद हम समुद्र में जा करके तो बनाते नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वो नहीं, वो यहाँ पर भी संभव है, जमीन पर भी बनाया जा सकता है, महाद्वीपों पर भी बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही कॉमन है। तो अब आप देखेंगे कि जब इसको आप अप्लाई करेंगे अपने इस अंडरस्टैंडिंग को
पहले स्टेटमेंट पर जो कह रहे हैं कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, देखिए कह रहे केवल समुद्रों में ही संभव है और महाद्वीपों पर नहीं, तो आपको साफ साफ लगेगा कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो पूरी तरह से गलत है, राइट। अब आप यहां से पकड़ना, इसे शुरू कीजिए, सॉल्व करना शुरू कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ऑप्शन पर चले जाइए, आप सीधे आ जाइए ऑप्शन पर, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं बताना है कि ये मैथमेटिक्स आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि आपको एग्जामिनर देखेगा कि ये कैसे इसके उत्तर तक पहुंचा है, नॉट एट ऑल। अब आपने एक पॉइंट निकाल लिया अपने लिए, एक छोर पकड़ लिया कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि हमारे पास स्टेटमेंट किस किस तरीके के हैं। स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है 1+2, स्टेटमेंट बी में दिया हुआ है 2+3, स्टेटमेंट सी है केवल 3 और स्टेटमेंट डी है 1, 2 और 3, और आपने निष्कर्ष निकाल लिया है कि ये पहला स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब हुआ कि वे ऑफ कूट, वे ग्रुप जिसमें एक है वो सही नहीं हो सकते। और इस तरीके से आप देखिए, 2 को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ए में 1 है ये नहीं हो सकता, इसके बाद डी में 1 है ये नहीं हो सकता, यानी कि ये 2 तो नहीं हो सकते। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। मित्रों, मैं यहाँ प्रकारांतर से एक बात और बता दूं कि सिविल सर्विस के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो याद रखिए कि आप भले ही सही उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन एक एलिमिनेट भी आप करते चलते हैं कि ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो बी सी होगा। चलिए बी सी में आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि कौन सा सही है, लेकिन आपने जो प्रोबेबिलिटी है वो अपनी बढ़ा ली है। अगर चारों में से आप किसी में एक में निशान लगाते तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% होती कि 4 में 1, और अब यहां जब आप 2 में निशान लगाएंगे, 2 में से किसी एक में, और आपको अब पता नहीं लग रहा है कि दोनों में से कौन सही है, तो आपने प्रोबेबिलिटी तो बढ़ा ली ना कि 50% सही होने की संभावना है, तो ये आपके टोटल स्कोर को बहुत इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है, याद रखिए। तो अब देखिए कि एक जिसमें है वो नहीं होगा। अब जो हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, डेफिनेटली बी और सी में कन्फ्यूजन हो रहा है, चलिए मैं मान लेता हूँ, तो एक बार कोशिश करके देखते हैं कि क्या ये कन्फ्यूजन भी दूर हो सकता है, या तो केवल 3 होगा। तो आइए हम सबसे पहले देखें कि केवल 3 होगा तो ठीक है, ये तो होगा ही, लेकिन क्या 2 भी होगा? अब हमें इस तरीके से सोचना चाहिए, 3 तो इसमें भी है, तो अब हम 2 को टेस्ट करेंगे, हम 3 में अपना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि 3 तो पक्का है, मान के चलिए कि यहाँ 3 तो आप श्योर, क्योंकि दोनों में 3 है तो ये तो है सही है। अब हम 2 को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, तो केवल 2 को पढ़िए। दूसरा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, देखिए दिया है कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है, हाई लेवल स्पेशलाइजेशन, और वह भी मित्रों हाई लेवल मतलब सामान्य स्पेशलाइजेशन नहीं, इसी को उन्होंने कहा है ऑब्लिक करके टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी प्रौद्योगिकी, नो डाउट। अगर जरूरत नहीं होती हाई लेवल टेक्नोलॉजी की, स्पेशलाइजेशन की, तो अभी तक लोगों ने जैव ईंधन बना लिया होता और पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों, दुनिया भर के जो समस्या आ रही है पर्यावरण की, वो खत्म हो गई होती। हाई लेवल की टेक्नोलॉजी तो चाहिए, स्पेशलाइजेशन तो चाहिए। अब आप क्वेश्चन में जाकर के देखें तो उसमें स्पेशली एक शब्द मेंशन किया हुआ है फ्रेंड्स, और वह शब्द है विकासशील, ये आपकी मदद के लिए उन्होंने दिया हुआ है, डेवलपिंग कंट्रीज। और अब आपको फिर अब यहां से इकोनॉमिक्स के नॉलेज की जरूरत होगी, जो मैंने कहा ना अंडरस्टैंडिंग में दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत हो, नॉलेज की। विकासशील क्या है कि वो देश जो अभी बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हुए हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, जिनके पास धन की कमी, कैपिटल की कमी है, ये विकासशील देशों के लक्षण हैं। तो विकासशील देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ये उनकी सीमा बना देती है कि अगर कोई देश अभी डेवलपिंग स्टेज पर है और अपने यहाँ चाह रहा है कि वो जैव ईंधन तैयार करे, तो इसलिए तैयार नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका मतलब है कि ये हो सकता है, राइट। और जो थर्ड पॉइंट है, आप थर्ड पॉइंट को पढ़ेंगे तो उसमें सीधे है कि पारिस्थितिकी और सामाजिक सरोकार उत्पन्न होंगे, तो वो तो होंगे ही, क्योंकि आप वनस्पतियों का इस्तेमाल करेंगे, उससे तो दूसरे तरह की समस्याएं पैदा होंगी, तो वो तो होंगी। और चलिए हम उसको नहीं भी करते हैं, होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हम क्या करें, हमारे क्योंकि यहाँ तो 3
जो थर्ड स्टेटमेंट है वो दोनों जगह मौजूद है, तो हमारे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसमें आंसर हो सकता है मित्रों, वह होगा बी, क्योंकि टेक्नोलॉजी या हाई लेवल स्पेशलाइजेशन भी उनकी लिमिटेशन है, उनकी सीमाओं का निर्धारण करती है। तो मित्रों, इस तरीके से आप देखिए कि एक बहुत जटिल प्रश्न जो देखकर आप में निराशा का भाव पैदा करता है, थोड़ी सी अगर आप हिम्मत जुटाते हैं या टेक्निक जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाने चाहिए, तो आप उस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। जो बहुत ही हाईली साइंटिफिक क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, देखिए उसके बारे में, क्योंकि उनकी शब्दावली हमको नहीं मालूम है, उनकी दूसरी चीज़ें भी हम नहीं जानते हैं, तो एक ह्यूमैनिटी और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये तो बहुत ही कॉमन पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इन प्रश्नों को तो बड़े आराम से इन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। मित्रों, अब मैं एक और आपके सामने इसी से संबंधित उदाहरण रखना चाहूँगा आपको विश्वास दिलाने के लिए। जैसा मैंने कहा कि 19-20 क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं, तो मैं कम से कम आपको एकाध क्वेश्चंस के उदाहरण तो और दूँ ताकि आपका जो विश्वास है वो थोड़ा सा बढ़ सके। आइए एक प्रश्न हम और देख लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है मित्रों वो है क्वेश्चन नंबर 72। मैंने जानबूझ करके एक सरल प्रश्न चुना है, सरल प्रश्न इस मायने में कि जिस विषय पर है उस विषय के बारे में आप जानते हैं, अखबारों में भी आपने पढ़ा है, न्यूज़ में भी यह विषय खूब आया है, लेकिन सरल होने के बावजूद जिस तरीके से इसको पूछा गया है तो उसमें आपको उलझाने की कोशिश की गई है, और मुझे लगता है कि अगर आप बहुत सतर्क नहीं हैं, आप में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप उलझ सकते हैं, क्योंकि समय का दबाव तो निरंतर काम करता रहता है और वो समय का दबाव आपको फंसा सकता है। तो मैंने जानबूझ करके इसके लिए सेकेंड उदाहरण के रूप में बहुत ही सरल प्रश्न लिया। याद रखिए कि अगर प्रश्न सरल है तब भी आपको अपनी सतर्कता उसी तरह से बनाए रखनी होगी, क्योंकि अगर वो प्रश्न सरल दिया है इसका मतलब है कि उसके पीछे कुछ न कुछ पेच है और आपको उस पेच को समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत ही कराएंगे। दोस्तों देखिए कि 72 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है, फर्स्ट, सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, टू, मृदा गुणवत्ता की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना, थर्ड, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। ये तीन स्टेटमेंट हैं, और इसके बाद जो ऑप्शन दिया उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है ऑब्लिक है, ए केवल एक और दो, बी केवल तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। मित्रों ये क्वेश्चन है, अब आइए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं चलिए सरल तरीके पर आता हूं कि अगर आप जरा भी सतर्क होकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब मैंने बताया कि आपको बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, देखिए हेल्थ, जैसे मेरे भी स्वास्थ्य का कार्ड हो सकता है, आपके भी स्वास्थ्य का कार्ड हो सकता है, तो उसमें यही होगा ना कि भाई इनका क्या डेवलपमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, हार्ट बीट कितना है, तो वो एक रिकॉर्ड रखते चले जाते हैं और उसी आधार पर फिर वो मुझे दवाई देंगे, विटामिन देंगे, जो मेरी जरूरत की चीज़ें होंगी। तो वैसे ही वो जमीन का स्वास्थ्य कार्ड है, स्वास्थ्य रिपोर्ट है कि इस जमीन में और क्या क्या कमी है, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, साल्ट चाहिए, ताकि उसमें सही उत्पादन चीज़ों का हो सके, है ना। तो एक मिट्टी का परीक्षण है वो, तो जो मिट्टी का परीक्षण है ये जो शुरू किया गया है, आपने अभी पिछले साल खूब ये चर्चा में आया, तो आपको एक बात ध्यान में होगी कि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है उससे जो हमारी जमीन है वो ऊसर होती चली जा रही है, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो घटती चली जा रही है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसमें ये दिया गया है कि हम जैव खाद का उपयोग बढ़ाएँ। तो अब जैव खाद का उपयोग कैसे बढ़ाएं, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो रासायनिक खाद का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि किसान इसकी जानकारी नहीं रखता है और दुनिया भर का खाद डालता चला जाता है जिसका एडवर्स इंपैक्ट होता है, राइट, इसको हम कम करें, ये है। तो मेन क्या हुआ, अगर आप तीसरे पर जाएं, थर्ड स्टेटमेंट पर, तो कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, ये तथ्य आपको मालूम होगा और ये बहुत ही सरल तथ्य है।
देखिए, अगर आप एक साल से तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये तथ्य मालूम ना हो, लेकिन दो से तीन साल से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे मालूम है कि ये तथ्य आपको मालूम होगा, क्योंकि आप 2017 में लगातार अखबारों से और मैगजीन से जुड़े रहे होंगे, तो ये तथ्य तो आपके जेहन में बस गया होगा। इसका मतलब ये होगा कि जिसे मैं उंगली कहता हूँ, एक फिंगर कहता हूँ, तो आपको एक उंगली मिल गई और वह है तीन, यानी कि जिसमें तीन है वह सही होगा, मतलब एक ऐसा आंसर जिसमें तीन होना ही चाहिए, राइट। अब आप देखेंगे, अब हम ऑप्शन पर आ जाते हैं मित्रों। पहला जो ऑप्शन है एक दो, जो दूसरा ऑप्शन है केवल तीन की बात कर रहा है, जो तीसरा ऑप्शन है वो दो और तीन की बात कर रहा है, और जो चौथा ऑप्शन है वह एक दो और तीन की बात कर रहा है। आप देखिए कि जिसने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है वो कितना समझदार व्यक्ति है। यहाँ है कि तीन होना ही चाहिए, और आप देखिए कि उसने तीन को तीन में शामिल कर दिया है। देख रहे हैं ना, आपकी सरल को कैसे जटिल बनाने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि आप केवल एक को खारिज कर सकते हैं इसको। अब आपको इन तीन पर विचार करना पड़ेगा, तीन पर विचार करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि फर्स्ट उस पर जाइए कि जो सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग लगाइए, दिमाग लगाइए कि यार जो जमीन की जो गुणवत्ता है उसका उत्पादन से तो संबंध हो सकता है, उसमें कौन सी फसल लगाई जाए ये संबंध हो सकता है, लेकिन इस बात से क्या संबंध हो सकता है कि सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया जाए कि नहीं किया जाए, कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन की गुणवत्ता तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलती रहती है, सिंचित जमीन तो हमको बनाना ही बनाना है। तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो एक जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको भी खारिज किया जा सकता है। अब हम धीरे धीरे सही उत्तर तक पहुंच रहे हैं, तो आप इसे भी खारिज कर देंगे, डी को भी खारिज कर देंगे। अब आप इसमें आप बचते हैं, और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, खासकर तब जब आपका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा ही दौड़ता है, ज़्यादा ही इधर उधर कनेक्ट करता है, क्योंकि आपको फिर लगता है कि जो बैंक हैं उनको शायद इससे मदद मिल जाती हो यार, कि इसकी ज़मीन की गुणवत्ता तो अच्छी है तो इसकी ज़मीन की कीमत ज़्यादा होगी तो इसे ज़्यादा ऋण दे दो, है ना। दिमाग कनेक्ट कर रहा है, ज़बरदस्ती कनेक्ट कर रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी स्टडी अच्छी है, आप बहुत संतुलन के साथ सोच रहे हैं, तो आपको लगेगा कि बैंकों को मिट्टी के गुणवत्ता से क्या लेना देना। अगर मान लीजिए कि उसकी मिट्टी आज बहुत अच्छी है, उस ज़मीन की कीमत इसीलिए ज़्यादा है, तो दो साल के बाद उसमें उसकी मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी तो उस ज़मीन की कीमत कम हो जाएगी। तो बैंक ऐसे अस्थायी गुण वाले ज़मीन को अपना ऋण कैसे दे सकते हैं, उसको आधार बना के ऋण कैसे दे सकते हैं। तो जरा सा भी आप लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप बिल्कुल इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि नहीं, जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। इसका एकमात्र उद्देश्य यहां जो तीन दिए हुए हैं उसमें से ये है कि कैसे हम जो कृषि जो के लायक जो जमीन है उसमें जो रासायनिक खादों का जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है उसको कैसे रोकें। और आप मित्रों बड़े आराम से आप देखेंगे कि सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, और इसके लिए आपने केवल अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल किया है। मित्रों मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा सा ठीक लगा होगा, और आपके दिमाग में कुछ और नए आयाम और नए एंगल खुले होंगे कि नहीं, इस आधार पर भी हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं दो बातें आप सभी को ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा, बशर्ते कि आप गंभीरता से सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हों। पहली बात तो यह कि मेरी एक किताब है, आप IAS कैसे बनेंगे, इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह कि हमारी एक वेबसाइट है afeias.com, इस पर सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट होता है जो पूरी तरह से फ्री है, इसे भी आपको अवश्य देखना चाहिए, और इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में भी आपको इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करते रहें, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ ही मैं अपने इस एक्सप्लेनेशन को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।